हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि कारेंस की सभी सीट्स फोल्ड करके मैक्सिमम 1973 लीटर की लगेज स्पेस मिलती है। खैर, अगर आप कारेंस लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इस कार का सबसे सूटेबल वेरिएंट चूज कर पाएंगे। कारेंस के वेरिएंट्स एक्सप्लेन करने से पहले चलिए आपको इसकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जैसे कि इसके प्राइसेस, डायमेंशंस और इंजन स्पेसिफिकेशंस, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए इस कार के बारे में। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके प्राइसेस से, लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। कारेंस पेट्रोल के प्राइसेस अब 9.60 लाख रुपीज से स्टार्ट होते हैं और इसका बेस वेरिएंट फेब 2022 के कंपैरिजन में अब 60,000 रुपीज ज्यादा कॉस्ट करता है। 1.5 लीटर नॉर्मल पेट्रोल इंजन के प्रेस्टीज वेरिएंट का प्राइस अब 70,000 रुपीज ज्यादा है एंड इट कॉस्ट्स ओवर 10 लाख रुपीज नाउ। कारेंस टर्बो पेट्रोल मैनुअल पावर ट्रेन के प्राइसेस भी 20,000 रुपीज से 40,000 रुपीज की रेंज में इंक्रीज हुए हैं, विद द प्रेस्टीज, प्रेस्टीज प्लस एंड लग्जरी प्लस वेरिएंट्स गेटिंग द मैक्सिमम इंक्रीमेंट। टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक पावर ट्रेन के केस में प्रेस्टीज प्लस वेरिएंट का प्राइस 20,000 रुपीज से और टॉप लग्जरी प्लस वेरिएंट का प्राइस 50,000 रुपीज से इंक्रीज हुआ है। इस प्राइस अपडेट के बाद अब कारेंस के टॉप वेरिएंट का प्राइस 17.5 लाख रुपीस है। इस प्राइस अपडेट के बाद कारेंस टर्बो में मैनुअल से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का अपग्रेड 90,000 रुपीस का है। चलिए अब इसके डायमेंशंस देखते हैं। कारेंस की लेंथ 4.5 मीटर से ज्यादा है, तो हमारी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये D1 सेगमेंट कार है और अल्काज़र, अर्टिगा और एक्सेल 6 से बड़ी है। हाउएवर, कंपेयर टू हेक्टर प्लस एंड इनोवा क्रिस्टा, कारेंस की लेंथ, विड्थ और हाइट कम है, but it has a longer wheelbase. Karen's की 216 लीटर boot space Ertiga, XL6, Alcazar और Hector Plus से ज़्यादा है। इसमें 15 और 16 इंच व्हील्स आते हैं। In comparison, Alcazar और Hector Plus में 17 और 18 इंच व्हील्स आते हैं और इनोवा क्रिस्टा में 16 और 17 इंच व्हील्स का ऑप्शन है। चलिए अब इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। Karen's में 1.5 लीटर नॉर्मल पेट्रोल इंजन आता है with a maximum power of 115 PS and peak torque of 144 न्यूटन मीटर। कारेंस 1.5 की पावर टू वेट रेशो अर्टिगा और XL6 से कंपेरेबल है, लेकिन इसकी टॉक टू वेट रेशो स्लाइटली कम है। कारेंस 1.5 सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही अवेलेबल है और इसकी क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी अर्टिगा और XL6 से कम है। कारेंस का 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 140 PS की मैक्सिमम पावर और 242 न्यूटन मीटर की पीक टॉक प्रोड्यूस करता है। इसकी पावर टू वेट रेशो अल्काज़र से कम है, बट टॉक टू वेट रेशो अल्काज़र, हेक्टर प्लस और इनोवा क्रिस्टा से ज़्यादा है। लाइक इट्स राइवल्स, कारेंस टर्बो में भी मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशंस का ऑप्शन है। इसकी क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी भी इसके राइवल से बेटर है। चलिए अब कारेंस के वेरिएंट वाइज फीचर्स देखते हैं। कारेंस में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ प्रीमियम वेरिएंट का प्राइस अब 9.60 लाख रुपीज़ है और टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 11.20 लाख रुपीज़। नॉर्मल पेट्रोल से टर्बो पेट्रोल इंजन का अपग्रेड अब 1.60 लाख रुपीस का है। स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा इस वेरिएंट में साइड एंड कर्टन एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, डे नाइट IRBM, व्हील कवर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर डिस्क ब्रेक्स, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक और सेमी लेदरेट अपहोल्स्ट्री जैसे सेफ्टी और स्टाइल रिलेटेड फीचर्स आते हैं। इनके अलावा हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, AC वेंट्स इन ऑल रोज, ऑल पावर विंडोज, फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट, 60-40 स्प्लिट सेकेंड रो, 50-50 स्प्लिट थर्ड रो, मल्टीपल USB-C चार्जर्स और इलेक्ट्रिक सेकेंड रो टम्बल नोटेबल फंक्शनल फीचर्स हैं। इट इज़ वर्थ नोटिंग के 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ इस वेरिएंट में 15 इंच स्टील व्हील्स मिलेंगे और टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 16 इंच व्हील्स। आप अभी टेबल में प्रीमियम वेरिएंट के सभी फीचर्स देख सकते हैं। हमारे अकॉर्डिंग इस वेरिएंट में ऑडियो सिस्टम विद स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, रियर पार्किंग कैमरा, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, रियर डिफॉगर और रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे फीचर्स मिसिंग हैं। 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन से टर्बो पेट्रोल इंजन के लिए 1.60 लाख रुपीस की इंक्रीमेंटल कॉस्ट हमारे अकॉर्डिंग हायर साइड पे है। एडिशनली, कारेंस टर्बो का प्राइस 10 लाख रुपीस से ज़्यादा है, तो कई स्टेट्स में इस पर टैक्स भी ज़्यादा लगेगा। अगर आप बजट में हैं और कारेंस लेने का प्लान कर रहे हैं तो अब आपको इसका प्रीमियम वेरिएंट लेना चाहिए, किसी हायर वेरिएंट को कंसिडर करना चाहिए। इसका आंसर हम नेक्स्ट वेरिएंट की डिटेल्स में देंगे। चलिए देखते हैं प्रेस्टीज वेरिएंट में क्या एक्स्ट्रा आता है। कारेंस प्रीमियम से प्रेस्टीज वेरिएंट का अपग्रेड नॉर्मल पेट्रोल इंजन के साथ 1.10 लाख रुपीस का है और टर्बो पेट्रोल के साथ 1.20 लाख रुपीस का। प्रेस्टीज वेरिएंट में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, ऑटो हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम फंक्शन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटेना, रियर पार्किंग कैमरा विद ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेदर एंड फैब्रिक अपहोल्स्ट्री और 8-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा विद स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स एंड वायरलेस Apple CarPlay एंड Android Auto। आप अभी टेबल में प्रेस्टीज वेरिएंट के सभी फीचर्स देख सकते हैं। हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग प्रीमियम से प्रेस्टीज वेरिएंट में एडेड फीचर्स के लिए एट मैक्स 1.30 लाख रुपीस स्पेंड किए जा सकते हैं। कारेंस 1.5 लीटर पेट्रोल के केस में अगर आपके स्टेट में प्रीमियम से प्रेस्टीज वेरिएंट का अपग्रेड 1.30 लाख रुपीस से कम है तो ये अपग्रेड कर लेना चाहिए। अदरवाइज कंसिडर बाइंग द प्रीमियम वेरिएंट विद पर्सनलाइजेशन। इसमें आप टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद रियर पार्किंग कैमरा एंड स्मार्टफोन पेयरिंग, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs जैसे फीचर्स रेट्रोफिट करवा सकते हैं। वैल्यू कॉन्शियस बजट बायर्स के लिए नॉर्मल पेट्रोल से टर्बो पेट्रोल इंजन का अपग्रेड इस वेरिएंट में भी एक्सपेंसिव है। दैट सेड, अगर आप बजट में हैं लेकिन फॉर सम रीज़न कारेंस टर्बो पेट्रोल ही लेना चाहते हैं तो प्रेस्टीज वेरिएंट लेना बेटर होगा। फॉर इट्स प्राइस प्रेस्टीज वेरिएंट में रियर वाइपर एंड वॉशर, डिफॉगर, कूल्ड ग्लव बॉक्स, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs, ऑटो AC और एलॉय व्हील्स जैसे फीचर्स मिसिंग हैं। चलिए नेक्स्ट प्रेस्टीज प्लस वेरिएंट की डिटेल्स देखते हैं। कारेंस प्रेस्टीज से प्रेस्टीज प्लस वेरिएंट का अपग्रेड 1.5 लाख रुपीस का है। प्रेस्टीज प्लस वेरिएंट ऑनवर्ड सिर्फ टर्बो पेट्रोल इंजन ही आता है। प्रेस्टीज वेरिएंट के ऊपर प्रेस्टीज प्लस में LED DRLs, 16-inch एलॉय व्हील्स, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs, रियर डिफॉगर, रियर वाइपर एंड वॉशर, ऑटो AC, क्रूज कंट्रोल, कीलेस एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट स्टॉप और रियर डोर कर्टेंस जैसे फीचर्स आते हैं। प्रेस्टीज प्लस वेरिएंट में एडेड फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं। हमारे अकॉर्डिंग इस वेरिएंट में एडेड फीचर्स 1.5 लाख रुपीस का अमाउंट जस्टिफाई नहीं करते। प्रेस्टीज प्लस वेरिएंट में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन है जिसकी 90,000 रुपीस की अपग्रेड कॉस्ट रीजनेबल है। अपार्ट फ्रॉम द कन्वीनियंस ऑफ एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसके साथ ड्राइव मोड्स भी आते हैं और हमें लगता है कि कारेंस टर्बो ऑटोमेटिक कंसिडर करने वाले मोस्ट बायर्स को प्रेस्टीज प्लस वेरिएंट ले लेना चाहिए। अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप प्रेस्टीज प्लस वेरिएंट लेना चाहिए या किसी हायर वेरिएंट पे अपग्रेड करना चाहिए। इसका आंसर हम इस वीडियो में आगे देंगे। कारेंस प्रेस्टीज प्लस से लग्जरी वेरिएंट का अपग्रेड 1.40 लाख रुपीस का है। इस वेरिएंट में LED हेडलैम्प्स एंड फॉग लैम्प्स, डुअल फंक्शन LED DRLs, ऑटो डिमिंग IRVM और क्रोम डोर हैंडल्स जैसे फीचर्स के अलावा 10.25-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील विद टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट, मल्टी कलर्ड एम्बिएंट लाइटिंग, एयर प्योरीफायर, फ्रंट सीट बैक टेबल और नेवी बेज लेदर अपहोल्स्ट्री जैसे फीचर्स आते हैं। इट इज़ वर्थ नोटिंग के लग्जरी वेरिएंट में वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी नहीं आती जो प्रेस्टीज प्लस वेरिएंट में अवेलेबल है। लग्जरी वेरिएंट के एडेड सभी फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं। हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग लग्जरी वेरिएंट में एडेड फीचर्स 1.40 लाख रुपीस की इंक्रीमेंटल कॉस्ट जस्टिफाई नहीं करते, लेकिन कारेंस के प्राइसेस अपडेट होने के बाद अब प्रेस्टीज प्लस और लग्जरी दोनों वेरिएंट्स सिमिलर वैल्यू ऑफर करते हैं। तो अगर आप इन दोनों वेरिएंट्स में ही कंफ्यूज्ड हैं देन यू कैन मेक अ चॉइस बेस्ड ऑन योर बजट एंड फीचर प्रेफरेंस। लग्जरी वेरिएंट में LED हेडलैम्प्स, ऑटो डिमिंग IRVM और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट के अलावा मोस्ट ऑफ द एडेड फीचर्स गुड टू हैव ही हैं एंड नॉट मस्ट हैव, तो मोस्ट बायर्स के लिए प्रेस्टीज प्लस वेरिएंट लेना सेंसिबल होगा। अगर आप कारेंस में कोई अप मार्केट और फीचर रिच वेरिएंट ही लेना चाहते हैं तो आपको इसका टॉप लग्जरी प्लस वेरिएंट लेना चाहिए या नहीं, इसका आंसर हम नेक्स्ट वेरिएंट की डिटेल्स में देंगे। कारेंस लग्जरी से लग्जरी प्लस वेरिएंट का अपग्रेड अब 1.30 लाख रुपीस का है। लग्जरी प्लस वेरिएंट में रियर कैप्टन सीट्स का भी ऑप्शन है जिसके लिए आपको 5,000 रुपीस कम स्पेंड करने होंगे। इस वेरिएंट में दोनों सीट कॉन्फ़िगरेशंस में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलेगा जिसकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट 90,000 रुपीस है। अपार्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट एंड स्टाइल रिलेटेड फीचर्स लाइक बोज ऑडियो सिस्टम एंड सनरूफ, इस वेरिएंट में रेन सेंसिंग वाइपर्स, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस चार्जर और रियर पडल लैंप्स जैसे फीचर्स आते हैं। लग्जरी प्लस वेरिएंट में एडेड सभी फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं। सनरूफ, अप मार्केट ऑडियो सिस्टम और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स इस वेरिएंट के हाई वैल्यू फीचर्स हैं और हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग लग्जरी वेरिएंट के ऊपर लग्जरी प्लस वेरिएंट अपनी इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑलमोस्ट जस्टिफाई करता है। एज अ रिजल्ट इट ऑफर्स स्लाइटली बेटर वैल्यू देन इवन द प्रेस्टीज प्लस एंड लग्जरी वेरिएंट्स। तो ऐसे बायर्स जो गुड टू हैव फीचर्स के लिए कारेंस के टॉप वेरिएंट तक कंफर्टेबली बजट स्ट्रेच कर सकते हैं, उन्हें प्रेस्टीज प्लस या लग्जरी वेरिएंट स्किप करके लग्जरी प्लस वेरिएंट ले लेना चाहिए। लग्जरी प्लस वेरिएंट में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं। प्रेस्टीज प्लस ऑटोमेटिक से लग्जरी प्लस ऑटोमेटिक की इंक्रीमेंटल कॉस्ट 2.70 लाख रुपीज़ है, विच इज़ द लिटिल ऑन द हायर साइड। चलिए अब कारेंस के सभी वेरिएंट सम अप करते हैं सर, आपके लिए डिसीजन लेना ईजी हो जाए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। कारेंस का 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन वैल्यू कॉन्शियस बायर्स के लिए सूटेबल है। अगर आप कारेंस 1.5 पेट्रोल कंसिडर कर रहे हैं और आपके स्टेट में प्रीमियम और प्रेस्टीज वेरिएंट्स में 1.30 लाख रुपीज से कम का प्राइस डिफरेंस है तो प्रेस्टीज वेरिएंट ले लें, अदरवाइज बाय प्रीमियम। प्रीमियम वेरिएंट लेके आप इसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद रियर पार्किंग कैमरा एंड स्मार्टफोन पेयरिंग, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs जैसे फीचर्स रेट्रोफिट करवा सकते हैं। पर्सनल यूज़ के लिए कारेंस में टर्बो पेट्रोल इंजन कंसिडर करना चाहिए। इस इंजन के साथ अब भी मोस्ट बायर्स के लिए प्रेस्टीज प्लस वेरिएंट लेना ही सूटेबल है। हाउएवर, प्राइसेस इंक्रीज होने के बाद अब लग्जरी वेरिएंट भी प्रेस्टीज प्लस जितनी ही वैल्यू ऑफर करता है। इस इंजन के साथ अब लग्जरी प्लस वेरिएंट प्रेस्टीज प्लस और लग्जरी दोनों वेरिएंट से बेटर वैल्यू ऑफर करता है, तो अगर आप टॉप वेरिएंट तक कंफर्टेबली बजट स्ट्रेच कर सकते हैं देन कंसिडर बाइंग इट फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस। ऐसे बायर्स जो टाइट बजट पे हैं लेकिन टर्बो पेट्रोल इंजन ही लेना चाहते हैं उन्हें एटलीस्ट प्रेस्टीज वेरिएंट लेना चाहिए। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के केस में दो ही वेरिएंट्स हैं, प्रेस्टीज प्लस और लग्जरी प्लस। इनमें से कोई भी वेरिएंट आप अपने बजट और फीचर प्रेफरेंसेस के बेसिस पे ले सकते हैं। चलिए अब इसके एक्सटीरियर कलर ऑप्शंस देखते हैं। कारेंस में प्रेस्टीज प्लस वेरिएंट ऑनवर्ड 7 मोनोटोन कलर्स आते हैं, मेटालिक वाइट, ग्रे, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, सिल्वर और रेड। इसके बेस प्रीमियम वेरिएंट में सिर्फ सिल्वर और वाइट कलर्स का ही ऑप्शन है और प्रेस्टीज वेरिएंट में इनके अलावा ग्रे कलर भी आता है। और इसी के साथ खत्म होता है ये वेरिएंट्स एक्सप्लेन वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आप कारेंस का सूटेबल वेरिएंट चूज कर पाएंगे। अगर कारेंस से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं या हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।